क्लास स्टार्ट हो गई बेटा, ठीक है। तो अब कायदे में रहे ताकि आप लोग फायदे में रहे, ठीक है। ओके, अब है बच्चे आपका, अब प्लीज ध्यान दो। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो किया था वो क्या था, डीएनए वर्सेस आरएनए हमने देखा था। डीएनए हर्शन चेज के एक्सपेरिमेंट ने इतना बता दिया था कि डीएनए वर्सेस प्रोटीन में हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, ठीक है। लेकिन अब आरएनए को था कि भाई आपने मेरे को तो प्रतियोगिता में लिया ही नहीं, है ना, तो जब लिया ही नहीं तो मैं हार कैसे मान लूं, ठीक है। तो फिर हमने उनकी प्रॉपर्टीज भी देखी, आपकी जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। देयर वर 5-6 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, वो डीएनए भी कर सकता है और आरएनए भी कर सकता है। फिर हमने देखा था कि इट शुड बी स्टेबल इनफ, तो डीएनए वाज मोर स्टेबल देन आरएनए। देन इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर द स्लो चेंजेस, ठीक है, तो वो आपका आरएनए वाज गिविंग मोर चांसेस फॉर द इवोल्यूशन, ठीक है। देन इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, ठीक है, तो वो आपका डीएनए विनर है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं क्लास स्टार्ट होने पर कि डीएनए स्टेबल है ज्यादा आरएनए से, इसके पीछे क्या क्या कारण है, इसके पीछे क्या क्या कारण है बच्चे, ठीक है। पहला कारण, पानी दे दो यार इसे, ठीक है। पहला कारण है आपका, अगर मैंने डीएनए के लिए पूछा तो डीएनए आपका ज्यादा स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर 5-methyl यूरासिल होता है। यूरासिल तो है ही है, उसके साथ क्या है, 5-methyl यूरासिल है। 5-methyl यूरासिल मेक्स योर डीएनए मोर स्टेबल। मिथाइल ग्रुप इज एक्चुअली ये आपको स्टेबिलिटी देता है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं बनाता, ठीक है। ये हो गया आपका, इसके बाद आता है 5-methyl यूरासिल हो गया। फिर दूसरा डीऑक्सी है, मतलब एक ऑक्सीजन हटा दिया। तो आप ये समझो किसी चीज को स्टेबिलिटी देने का क्या क्या कारण हो सकते हैं, किसी चीज को हम स्टेबिलिटी कैसे दे सकते हैं। पहला, रिएक्टिव ग्रुप हटा दो। दूसरा, एक स्टेबल चीज इंट्रोड्यूस करा दो। दोनों तरीके हैं ना स्टेबल करने के। तो आपने रिएक्टिव ग्रुप हटाया, वो क्या था, डीएनए। जो आपने स्टेबल चीज इंट्रोड्यूस करी वो क्या है, मिथाइल, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है, हमेशा याद रखना कि जब कोई चीज डिस्ट्रॉय होती है, डैमेज होती है, तो वो जनरली एंड पॉइंट से होती है। वो कहाँ से होती है, एंड पॉइंट से होती है। जैसे अगर आप कभी भी देखना, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एंड पॉइंट्स को जनरली हम थोड़ा वो कर देते हैं, सिक्योर करना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वही सबसे ज्यादा अनस्टेबल पॉइंट होता है, ठीक है। आरएनए बीइंग सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, वो ज्यादा अनस्टेबल होता है, और आपका डीएनए बीइंग डबल स्टैंडर्ड, तो उसको डबल स्टैंड की भी सिक्योरिटी मिल जाती है। अब अगर हम डबल स्टैंडर्ड में देखें तो डबल स्टैंडर्ड में और क्या चीजें आती हैं आपके पास। अगर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी कौन देता है, तो देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। फर्स्ट इज डबल डबल हेलिक्स, ठीक है, फर्स्ट इज योर एंड सेकेंड स्टैकिंग। स्टैकिंग हम लोगों को मालूम है किस वजह से होती है, स्टैकिंग का कारण क्या है, 36 डिग्री पे वो अपने ऐसे यू स्टैक्ड होते हैं, ठीक है, एंड क्योंकि वो स्टैक्ड होते हैं इसका मतलब वो स्टेबल ज्यादा होते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग जो होती है दैट मेक्स द स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, ठीक है। अब डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को स्टोरी शायद बताई थी, आई डोंट नो लेक्चर में बताई है या नहीं बताई है, लेकिन आपका जो डीएनए है, ठीक है, इट वॉज एक्चुअली एग्जामिन्ड बाय अ साइंटिस्ट, रोजालिंड फ्रैंकलिन, आई टोल्ड यू, ठीक है। तो रोजालिंड फ्रैंकलिन, she observed the structure of her DNA and she observed a cross structure. क्या देखा था उस बंदी ने, cross structure देखा था, ठीक है। वहां से DNA का structure interpret करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपने सिर्फ एक cross structure, और कौन सी टेक्निक यूज करी थी उसने DNA के structure को identify करने के लिए, वो टेक्निक थी एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो उसने किससे ऑब्जर्व करा था, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। बच्चे दिस कैन बी अ वन मार्कर क्वेश्चन, ठीक है, विच टेक्निक वॉज यूज बाई रोजालिंड फ्रैंकलिन टू डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डीएनए, ठीक है। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न आपका हो गया, इज दिस क्लियर। इसमें एक और बंदे का नाम मेंशन है यार, एक रोजालिंड के साथ एक और बंदे का नाम है, मैं उसको कभी नहीं याद रखती क्योंकि मतलब वो मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लगता बंदा, मुझे ये भी नहीं पता कि वो पीछे दे रखा है नहीं। हाँ जे है नहीं यार,
रोज मॉरिस विल्किंस, ठीक है, तो एक था मॉरिस विल्किंस और दूसरी रोजालिन फ्रैंकलिन। मैं हमेशा रोजालिन फ्रैंकलिन का ही नाम याद रखती हूँ, ठीक है। ओके, वॉटसन एंड क्रिक ने जब डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, आपको पता है ए पेयर्स विद टी, जी पेयर्स विद सी, ठीक है। ए पेयर्स विद टी, ए कितने बेस पेयर के साथ वो करता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी और सी में कितना होता है ट्रिपल, तो विच विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, एटी और जी सी? ऑब्वियसली जी सी विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन एटी, क्योंकि उसके अंदर डबल ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी था, ठीक है। अब हमें मालूम है कि डीएनए जो है वो अपने अपना रेप्लिका भी बना लेता है, डीएनए अपना रेप्लिका भी बना लेता है, ठीक है। अब जानना ये था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कंजर्वेटिव है या सेमी कंजर्वेटिव है, वो कंजर्वेटिव है या सेमी कंजर्वेटिव है। अब इसका मतलब, और ये किसने एक्सपेरिमेंट किया था, मेसेलसन एंड स्टार, मेसेलसन एंड स्टार एक्सपेरिमेंट। तो दे द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वॉज दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। इनका कंक्लूजन क्या था, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, सेमी कंजर्वेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी कंजर्वेटिव? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है बच्चे, आप ये समझो, आपका ये स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, आई होप दिस इज विजिबल, ठीक है, इट विल गेट ओपन अप, इट विल गेट ओपन लाइक दिस, एंड न्यू स्ट्रैंड विल बी फॉर्म, न्यू स्ट्रैंड विल बी फॉर्म्ड हियर, एंड दिस न्यू स्ट्रैंड अगर आपकी, और अब ये बन गया आपका, पहले कितना डीएनए था, वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, अब कितने हो गए बच्चे, नाउ यू हैव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। यू कैन सी दैट इन न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए वी हैव वन कॉपी विच इज न्यूली सिंथेसाइज्ड एंड अदर कॉपी ओल्ड वन। जब एक न्यू हो और एक ओल्ड हो, ऐसे रेप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, इसे क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। कंजर्वेटिव कब होता, मान लो अगर यही चीज कैसे कन्वर्ट हो जाती, इफ, बेटा इधर इफ लगा रही हूं, ये होता नहीं है, ठीक है, इफ लगा रही हूं कि हम कंजर्वेटिव कब बोलते, अगर आपके दोनों नए स्ट्रैंड्स एक साथ आ जाते और सारे पुराने एक साथ आ जाते, अगर ऐसा होता, काश है बेटा ये, ठीक है, तो हम इसको कंजर्वेटिव बोलते, अगर ये होता तो कंजर्वेटिव, और ऐसा है तो सेमी कंजर्वेटिव। मतलब समझ में आया, ठीक है, कौन सा ज्यादा बेटर है, कंजर्वेटिव के सेमी कंजर्वेटिव? पहली बात, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है, इट इज नॉट कंजर्वेटिव। ये बेनिफिशियल, अब मैं अगर पूछूं कि ये बेनिफिशियल है या ये, ऑफ कोर्स ये, अगर ये बेनिफिशियल होता तो ये होता हमारी बॉडी में, बेनिफिशियल ये वाला। अब बेनिफिशियल का मतलब क्या है, आप ये समझो, जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि म्यूटेशंस आ जाती है, ठीक है। हमारी बॉडी का एक रिपेयर मैकेनिज्म होता है, हमारी बॉडी का एक रिपेयर मैकेनिज्म होता है जो रिपेयर करता है चीजों को आकर के। तो मान लो एक ओल्ड स्ट्रैंड, एक न्यू स्ट्रैंड, ठीक है, ओल्ड वाले में हमने देखा टी है, ओल्ड वाले में, और इधर सी, इधर क्या है, सी है, इधर क्या है, टी है, इधर क्या है, सी है। अगर टी के साथ सी है, सही लगा है या गलत, गलत लगा हुआ है। अब मैं सी सेम रख के टी को चेंज करूं या टी सेम रख के जी को सी को चेंज करूं, बच्चे पुराने वाले को सेम रखेंगे, नए वाले को चेंज कर देंगे। तो जो रिपेयर मैकेनिज्म होता है वो पुराने वाले को एज अ टेम्पलेट रखते हुए नए वाले में चेंजेस लाता है, जो कि ज्यादा एक्यूरेट होता है। क्यों? क्योंकि पुराने वाला तो पहले भी काम कर ही रहा था ना, अगर उसमें गलती होती तो पुराने वाले में गलती होती, पिछले सेल में गलती होती,
तो हम ये मानकर चलते हैं क्योंकि पुराना वाला सब सही से करा है तो चांसेस ये हैं कि इसके ठीक होने के चांसेस ज्यादा, और वैसे भी सिंथेसाइज ये हुआ है ये नहीं, तो गलती इससे हुई होगी ना कि, समझ में आई? तो ये इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है कि हमारे डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव होने पे इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है, ये वाली बात समझ में आ गई। अब बच्चे हमें ये जानना है कि हम कैसे प्रूफ करेंगे। अब ये बात प्रूफ करनी है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर है। मैंने आप लोगों को एक बात बता रखी है, इकोलाय के बारे में बता रखा है कि नहीं बता रखा है? इकोलाय तो आप सब जानते हो, इकोलाय इज अवर काइंड ऑफ अ फ्रेंड नाउ, ठीक है? एस्चेरिचिया कोलाय, इट इज अ बैक्टीरिया। व्हाई डू वी वर्क ऑन इकोलाय? एस्चेरिचिया कोलाय पे हम क्यों काम करते हैं बताओ जी, क्यों करते हैं काम? क्योंकि बच्चे पहली बात इजी टू हैंडल है। अगर आप उसे बोलोगे कि आपने अपनी पीएचडी में इकोलाय पे कितने दिन काम किया, ट्रस्ट मी 7 साल की पीएचडी में मुझे लगता है 5 साल तो इसके साथ स्पेंड करे ही होंगे, ठीक है? डेली डेली, ठीक है, इसके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, ठीक है? मतलब डेली आकर के इकोलाय से मिलना होता ही होता था, तो मेरे को शायद ज्यादा फ्रेंडशिप वाली फीलिंग आती है इकोलाय के साथ, समझ में आई बात? ठीक है, ये इजी टू हैंडल होता है। कितनी देर में ग्रो कर जाता है? इट ग्रोज इन 16 आवर्स, ठीक है? आप कहोगे जल्दी 16 घंटे, बेटा ठीक है, मान लो आज रात को आप कल्चर लगा के गए, कल सुबह आओगे ग्रो हो गया, आप रात को सो रहे थे बेचारा काम कर रहा था, राइट? आई बात समझ में? तो इकोलाय का ग्रोथ कंडीशन जो होता है ये होता है, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इकोलाय है, इकोलाय के डीएनए में नाइट्रोजन होता है कि नहीं होता? होता है, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है? इकोलाय के डीएनए में नाइट्रोजन होता है, इकोलाय के डीएनए में नाइट्रोजन होता है। अब नाइट्रोजन का सोर्स क्या है? जब इकोलाय ग्रो कर रहा था तो वो तो एक छोटा सा सेल था, आप सोचो आपने मीडियम लिया, थोड़ा सा सेल डाला, वो इकोलाय ग्रो कर गया, इसका मतलब उसने नाइट्रोजन मीडियम से लिया, मीडियम से ही तो लिया, यानी कि मीडियम में जो भी नाइट्रोजन होगा वो उसके डीएनए में आकर के इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। अब कैसे करेगा, चेक करो, हम मीडियम में डालते क्या है? NH4Cl, व्हाट इज दिस? अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है बच्चे? अमोनियम क्लोराइड है। अब होता क्या है, अमोनियम क्लोराइड के दो वेरिएशंस है हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड के क्या है, दो वेरिएशंस है हमारे पास। पहला है N14H4Cl और एक है N15H4Cl, आई बात समझ में? तो पहला क्या है आपका N14H4Cl एंड N15H4Cl, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, जब ये वाला डीएनए जब N14 इनकॉर्पोरेट करेगा डीएनए में तो नॉर्मल डीएनए, अगर N14 है तो वो नॉर्मल, आपको पता है N14 इज अ नॉर्मल आइसोटोप एंड N15 इज अ हैवी आइसोटोप, उसे क्या बोलते हैं हम, हैवी आइसोटोप। अब आप बोलोगे कितने का फर्क है जी, 1 यूनिफाइड 1 न्यूट्रॉन का फर्क है, ठीक है? एक सिंगल न्यूट्रॉन का फर्क पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास बैक्टीरिया बहुत सारे हैं तो आप क्या पता लगा सकते हो कि किसमें N14 गया किसमें N15 गया, बच्चे लग जाता है पता, ठीक है? उसके लिए टेक्निक होती है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, उसे क्या होता है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, ये टेक्निक है जिससे हम पता लगाते हैं, ठीक है? हमने करा क्या, जब इधर हम अपने इकोलाय को ग्रो करा रहे हैं तो कैसा इकोलाय ग्रो कर रहा, नॉर्मल डीएनए। अगर आपने N15 वाले में करा तो हैवी डीएनए। इनको डिफरेंशिएट कैसे करा जा सकता है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, तो इसका क्या हो जाएगा, दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है बच्चे, डिफरेंस, व्हाट इज ग्रेडियंट? ग्रेडियंट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है? तो यहां पर क्या है, डेंसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड का मतलब ही डिफरेंस होता है बच्चे।
अंग्रेजी सही होनी चाहिए, माय गॉड कॉन्सेप्ट क्या वर्ड में। चलो कोई ना, ठीक है, आई बात समझ में। ग्रेडियंट, ठीक है, एक्चुअली मैं ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस बता रही थी और डिफरेंस का डी दिमाग में आ गया, और खैर छोड़ो, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब ग्रेडियंट हो गया, ये समझ में आ गया। अब आप ये सोचो, आपने अपना जो एक होता है ना प्रोब, प्रोब किसे बोलते हैं, प्रोब वर्ड जानते हो, प्रोब, प्रोब होता है जैसे मान लो चूहे को पकड़ने के लिए वो रोटी नहीं लगाते हैं, रोटी प्रोब है, रोटी क्या है, प्रोब है। चूहे की लोकेशन पता है, नहीं, रोटी की लोकेशन पता है, हाँ, चूहा क्या लेने आएगा, रोटी, तो रोटी चूहे को पकड़ने का प्रोब है, जिसको पकड़ के वो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका पुलिस भी प्रोब्स रखती है ना, जो फरार है उसकी बहन को पकड़ लिया, अब वो जब बहन से जैसे ही कॉन्टेक्ट करेगा पकड़ा जाएगा, राइट, तो वहां पे बहन प्रोब हो गई। इज दिस क्लियर? तो प्रोब क्या होता है, कोई सी भी नोन चीज, प्रोब क्या होती है, कोई सी भी नोन चीज, और जिसको आप पकड़ना चाहते हो वो क्या है, बेट, प्रोब एंड बेट होता है। ठीक है, तो बेट जिसको आप पकड़ना चाहते हो। ठीक है, हमारा यहाँ पे प्रोब तैयार है, यानी कि जो भी चीज है नोन थी वो तैयार है, अब हमें पकड़ना किसको है कि वो कंजर्वेटिव है या सेमी कंजर्वेटिव। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हमने करा क्या बच्चे, हमने इकोलाई को सबसे पहले ग्रो करा N15H4Cl में, हमने किसमें ग्रो करा, N15H4Cl। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन सा महंगा होगा, N15 या N14? N15 वाला महंगा होगा, तो हमने पहले उसे किसमें ग्रो कर लिया, N15 में ग्रो कर लिया। तो हमने इकोलाई को ग्रो किया, ठीक है, हमने इसको ग्रो किया इन N15H4Cl फॉर several generations। समझ में आया? तो E. coli was grown in N15H4Cl medium, मतलब वो medium जिसके अंदर N15H4Cl था for several generation, यानी कि अब जो इसका DNA है वो कैसा है, N15H4Cl वाला है, then it is shifted into N14H4Cl, N14H4Cl, ठीक है, अब इस मीडियम में शिफ्ट कर दिया उसे, मतलब। और एक और बात आप लोगों को, बच्चे ये यहाँ पे मैं वो चीजें लिख रही हूँ जो एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, वो चीजें मैं वहां पे लिख रही हूँ। एक बात और आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो ये है, ये बातें मैंने बता दी आपको, ठीक है, तीसरी बात है, वन डिविजन ऑफ इकोलाई अकर इन 20 मिनट्स, वन डिविजन, सेल डिविजन, बेसिकली वन सेल डिविजन ऑफ इकोलाई अकर इन 20 मिनट्स। अब आप कहोगे कि अगर इकोलाई 20 मिनट्स में ग्रो कर जाता है तो आप 16 घंटे क्यों रखते हो, हाँ? Exactly. बच्चे एक से दो होगा भाई, ना मेरे काम का एक था ना ही मेरे काम का दो है, मुझे चाहिए पॉपुलेशन, तो उतना ग्रो होने में, इतना अमाउंट आने में जो कि रिस्पेक्टेबल अमाउंट है जिसपे मैं आगे भी काम कर सकूं, उसमें कितना टाइम लग जाता है, 16-17 घंटे, जैसे दही जमाने वाला कॉन्सेप्ट कितनी देर के लिए रखा जाता है, एग्जैक्टली दैट इज ऑल्सो ओवर नाइट विच इज 16 आवर्स, ठीक है, और वहीं पर अगर अगर ठंड बहुत ज्यादा हो, जैन के महीने में अगर आप दही जमा रहे हो तो आप उसको ब्लैंकेट से कवर करके रखते हो, क्यों कवर करके रखते हो, क्योंकि उसको टेम्परेचर चाहिए होता है, कितना चाहिए होता है बेटा 37 अप्रॉक्स, हम बोलते हैं ना दही कौन से दूध में जमानी चाहिए, उस दूध में जिसको हल्का गर्म भी हो बट आप हाथों से नॉर्मली टच कर पाओ, ठीक है, तो हल्के गुनगुने दूध में अगर आप जामुन डाल रहे हो तो वो 16-17 घंटे में जम जाती है और उसका परफेक्ट एक टेम्परेचर भी होता है, ठीक है, समझ में आया, इज दिस क्लियर? सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बस वहां पे मीडियम आपका दूध होता है और बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, यहाँ पर मीडियम हमारा एलबी होता है, ल्यूरिया ब्रॉथ मीडियम बोलते हैं उसको, ठीक है, उसका आपको कुछ नहीं करना, बस उसके मीडियम हमने क्या डाल रखा है, N15H4
सीएल डाल रखा है। वाली बात समझ में आ रही है? आगे देखें, अब जब आपने N15H4Cl में डाल रखा था, अब आता है अब आपका मेन कॉन्सेप्ट। देखो प्रीवियस नॉलेज जो होनी चाहिए वो दे दी मैंने, अब आते हैं एक्सपेरिमेंट पर। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या हो रहा है, क्योंकि चैप्टर का नाम भी मॉलिक्यूलर बेसिस है, राइट? तो हमारे को मॉलिक्यूल्स के बारे में जानना तो पड़ेगा। हम ये मानकर चलते हैं बच्चे कि ये आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए है, और ये कौन सा स्ट्रैंड है, ये कौन सा स्ट्रैंड है, ये है N15 वाला। और अभी इसके दोनों स्ट्रैंड कौन से हैं, N15 क्या है? गंदा लग रहा है ना, राइट? ठीक है, यानी कि ये वाला भी N15 स्ट्रैंड है और ये वाला भी N15 स्ट्रैंड है, क्योंकि आपने इकोलाई को किसमें ग्रो कर रखा था, N15H4Cl में ग्रो कर रखा था, तो बोथ द स्ट्रैंड्स आर N15। ऐसे बैक्टीरिया का जब आप सीजम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट करोगे, ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं यानी कि किसी चीज को बहुत तेजी में घुमाते हैं, आप ये समझो ये आपका ये आपकी ट्यूब है, ठीक है, और आप इसे घुमा रहे हो, तो जो बॉटम पे जो चीज आएगी वो हैवी होगी या लाइट? बॉटम पे हैवी, ऊपर लाइट, उसके ऊपर और लाइट। डेंसिटी ऐसे ही होता है, जो जितना ज्यादा होगा भाई, जो जितना ज्यादा हैवी होगा उस पे फोर्स उतना ज्यादा लग करके वो सेंट्रीफ्यूगल यानी कि पीछे की तरफ चला जाता है, और जो पास में है उसका वेट थोड़ा कम है। समझ में आया? ठीक है, अब हम ये बनाते हैं एक ट्यूब। हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक ये बनाई मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब। ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब। इसके मैंने कुछ पॉइंट्स लेबल करे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। बेटा एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेबल्ड नहीं है एबीसी, एनसीईआरटी में एबीसीडी लेबल्ड नहीं है, मैं आपके रेफरेंस के लिए एबीसी लेबल कर रही हूँ। अगर कोई बैंड ए पे आया है तो वो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, अगर बी पे आया है तो डेंसिटी ए वाले से कम है, और सी पे आया तो ए बी दोनों से कम है, ठीक है। डेंसिटी होती क्या है, यस, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मींस हायर द मास हायर इज द डेंसिटी। N15 वाले का मास ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, N14 वाले का मास कम है तो डेंसिटी कम होगी। आई बात समझ में? ठीक है, जब हमने ऐसे बैक्टीरिया को पकड़ा और सेंट्रीफ्यूज करा तो आपको एक ही बैंड मिला, यहाँ पर आपको ए पर बैंड मिला। समझ में आया? ठीक है, अब हमने इसको शिफ्ट किस में कर दिया था, अच्छा योर बैक्टीरिया इकोलाई वॉज शिफ्टेड इन अ मीडियम N14H4Cl, ठीक है, तो ये 0 मिनट रीडिंग है, ये कितने मिनट रीडिंग है, 0 मिनट रीडिंग है। बेटा 0 मिनट में तो कुछ हुआ ही नहीं ना, ठीक है, अब करते हैं आफ्टर 20 मिनट। अब क्या करते हैं, आफ्टर 20 मिनट, आफ्टर 20 मिनट होगा क्या, आपका एक डीएनए का स्ट्रैंड ये है और एक डीएनए का स्ट्रैंड ये है, ठीक है, ये दूसरा स्ट्रैंड बन गया आपका, दिख रहा है ना, ये क्या है N15, ये क्या है N14, ऐसे ही ये वाला क्या है N14 और ये क्या है N15। आई बात समझ में? ठीक है, ये कितने मिनट रीडिंग है, 20 मिनट रीडिंग है, ये कौन से मिनट की रीडिंग थी, 20 मिनट की रीडिंग थी। अब क्या करना है हमारे को, यहां पर हम एक सेंट्रीफ्यूज बॉटल बनाएंगे। रेफरेंस के लिए मैं एबीसी इधर फिर से मार्क करूंगी, ए बी सी। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, बैंड कौन से पॉइंट पर आएगा, बी पॉइंट पर आएगा, ए पे आ, अच्छा चलो ठीक है, मुझे नहीं पता बी पे आएगा या सी पे आएगा, ए पे आ सकता है क्या, ए पे तो 100% नहीं आ सकता, ठीक है। बैंड आया इधर, बैंड आया बी पर, ठीक है। अब लेते हैं 40 मिनट्स की रीडिंग, अब कब लेते हैं 40 मिनट्स की रीडिंग, यानी कि इसके भी दो बने, इसके भी दो बने, बना दो, दो
यानी कि अब आपने एक बनाया लाल इधर, एक लाल इधर, ठीक है, एक सफेद इधर, सफेद इधर। ये तो मैंने ये चार स्ट्रैंड सेपरेट कर दिए, और बाकी जो नया बनेगा वो तो सफेद ही होगा, और एक में सफेद होगा, सब में सफेद होगा, क्योंकि सफेद वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, N14H4Cl अमोनियम क्लोराइड, राइट। आई बात समझ में? ठीक है, आपको दिख रहा है ये N15 है, ये N14 है, इधर दोनों ही N14 है, ऐसे ही आप इधर लेबल कर दोगे, राइट। ठीक है, अब फिर से हमने क्या बनाई, सेंट्रीफ्यूज बॉटल बनाई, फिर से सेंट्रीफ्यूज बॉटल बनाई, फिर से मार्क करते हैं, ए बी और सी। अब मुझे बताओ बैंड कहाँ मिलेंगे, बताओ बैंड कहाँ मिलेगा, अब सी पे। बेटा थोड़ा दिमाग तो लगाओ, पर ही तुम बताओ क्या क्या क्या, परी परी तुम बोलो, वेरी गुड, शी इज राइट। बेटा दोनों पे बैंड आएगा ना, दो इसके हैं, दो इसके हैं, राइट। ये कौन से मिनट रीडिंग है, 40 मिनट रीडिंग है, मान लेते हैं। अच्छा ये क्या शो कर रहा है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 60 मिनट रीडिंग लू, अगर मैं 60 मिनट रीडिंग लू, और अगर ये इधर ए है, अगर ये इधर बी है, अगर ये इधर सी है, तो 60 मिनट रीडिंग पे बैंड्स कैसे आएंगे, बी पे सेम रहेगा और सी पे थोड़ा हैवी हो चुका होगा। ये कितने मिनट रीडिंग होगी, 60। अगर मैं इसी को 100 मिनट बाद लू, तो बच्चे आगे जितनी मर्जी जनरेशंस करते जाओ, एक बात याद रखना, ए कभी रिटर्न नहीं होगा, सी और बी हमेशा, बी हमेशा से, ए कभी रिटर्न नहीं होगा, बी हमेशा सेम रहेगा, सी वाला बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में? यही होगा। एंड क्या ये एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर? यस। अगर ये कंजर्वेटिव होता, अब क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना, इफ रेप्लिकेशन इज कंजर्वेटिव, तो इस स्टेज पर बैंड कैसे आएंगे, ए बी सी, ए बी सी, अगर ये कंजर्वेटिव होता तो बैंड यहां कैसे आते, ए और हाय बेटा, ए और सी पे आता, बी तो कुछ होता ही नहीं ना। अगर ये कंजर्वेटिव होता तो इधर ही बैंड ए पे आता, सी पे आता, सबसीक्वेंट जनरेशन में क्या होता जाता, ए वाला सेम रहता, सी वाला इंटेंस 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 होता जाता। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, आपको अपने एक्सपेरिमेंट के दोनों पाथवेज पता होने चाहिए, कि अगर कंजर्वेटिव हो तो किस टाइप का रिजल्ट आएगा, सेमी कंजर्वेटिव हो तो किस टाइप का रिजल्ट आएगा, और जो हमारे रिजल्ट आए थे एक्सपेरिमेंट से, वो प्रॉपरली ये एंश्योर कर रहे थे कि हमारा डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, हां जी, क्लियर है, किसी को कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो मैं एक बहुत प्यारा क्वेश्चन लाई हूँ, दूंगी मैं आप लोगों को, ठीक है, अगर आप लोगों को डाउट नहीं है तो क्वेश्चन देंगे। आपके लास्ट ईयर सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन था, एंड ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, तो देखें, प्लीज ध्यान दो। आफ्टर थर्ड जनरेशन यानी कि 20, 40, 60 मिनट भी कह सकते हो आप, जनरेशन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स,
N15 का रेशियो बताओ, डीएनए स्ट्रैंड्स का रेशियो बताओ आफ्टर थर्ड जनरेशन। ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो। व्हाट अबाउट दिस 14 15? ये तो ऑब्वियसली टू ही रहना है। व्हाट अबाउट दिस नंबर? अब इस नंबर का पता लगाना है ना बच्चे, इसके लिए आप क्या करोगे? टू की पावर नंबर ऑफ जनरेशन, वेयर एन इज नंबर ऑफ जनरेशन। आपने सेकेंड जनरेशन तक तो बना ही लिया, राइट? कितने बने? 4 स्ट्रैंड, ठीक है। थर्ड जनरेशन पे जाओगे तो डबल हो जाने हैं, 8 हो जाने हैं। 2 की पावर 3 कितना आया? 8, राइट। ऑब्वियसली 0 इधर है, ऑब्वियसली 2 इधर है, इधर कितना आएगा? 6। ये कब है? आफ्टर 60 मिनट्स, राइट। अगर मैं बोलूं आफ्टर 40 मिनट्स कितना, 80 मिनट्स कितना होगा? आफ्टर 80 मिनट्स कितना होगा आफ्टर, बताओ? 2 की पावर 4 16 हो गया, 16 का 14 इधर, 2 इधर, 0 इधर। अब अगर मैं आपसे 2 की पावर 5 का भी पूछूं, यानी कि फिफ्थ जनरेशन का पूछूं, तो क्या होगा? 2 की पावर 5 32, ठीक है। 32 इज बेसिकली 30:2:3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जनरली अगर ऐसे बड़ी बड़ी जनरेशन के पूछते हैं, लाइक आपसे अगर वो पूछते हैं कि इन तीनों के स्टैंड के रेशियोज बताओ आफ्टर 1 जनरेशन, आफ्टर 2 जनरेशन एंड आफ्टर 3 जनरेशन, ठीक है। जनरली वो लोग बनाने के लिए नहीं बोलते, अगर बनाने के लिए बोले तो भी बना सकते हो, और अगर वो डायरेक्टली पूछते हैं तो डायरेक्टली आंसर आप इस फॉर्मूले से दे सकते हो। बच्चे ये वाला फॉर्मूला समझ में आया? 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ जनरेशन, ठीक है। 2 की पावर 3 8 आ गया। बच्चे ये वाला स्टैंड तो जीवन में कभी वापस आता ही नहीं, तो जीरो कर देना ये हमेशा, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव है तो 2 ही रहेगा और ये जितने बच गए उतने रहेंगे। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चे? एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आई होप ये एक्सपेरिमेंट भी समझ में आ गया। इस एक्सपेरिमेंट में कोई भी डाउट है बच्चे, मैंने अभी आपको समझाया है, लिखने का तरीका आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ लेकिन हाँ एक बात और याद रखना, समझना भी इम्पॉर्टेंट होता है। समझना मेक्स योर 70% एंड लिखना विल मेक योर रेस्ट ऑफ द 30%। तो 70% में से मान के चलते 60% हो गया होगा, 40% आप लोगों की तरफ से अभी भी रिमेनिंग है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये कर लो फिर आगे और हम करते हैं, ठीक है। अब करते बच्चे द मशीनरी एंड द एंजाइम्स, नाउ यू कैन टर्न द बुक, ठीक है। अब आते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन पे। डीएनए रेप्लिकेशन इसकी मशीनरी एंड इसके कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है? एस फेज, G1, S, G2, M, ठीक है। ड्यूरिंग सिंथेसिस फेज एंटायर डीएनए इज रेप्लिकेटेड। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि रेप्लिकेशन किसका होता है? पूरे जीनोम का होता है। रेप्लिकेशन किसका होता है? पूरे जीनोम का होता है। जीनोम कितना बड़ा है जी? बेटा सिंपल सी बात है, जीनोम इज हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट ऑफ अ सेल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जीनोम, ठीक है। आपको पूरे जीनोम को रेप्लिकेट करना है, ठीक है। आप ये समझ सकते हो कि प्रोसेस छोटा मोटा नहीं है, सेल के डिवीजन वाला जो प्रोसेस होता है, सेल साइकिल डिवीजन जो है, ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा रेगुलेटेड इससे रखा जाता है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो आप ये चाहते हो कि जो भी चीज हो रही है एटलीस्ट उसको अच्छे से मेंटेन करा जाए, ठीक है। समझ में आया? तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो कितना है जीनोम? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए रेप्लिकेशन, इट द होल जीनोम, is
डुप्लीकेटेड। तो आपका कैसा जीनोम डुप्लीकेट होता है बेटा? होल जीनोम इज डुप्लीकेटेड, राइट? ठीक है, जीनोम कितना बड़ा है? 3.3 × 10⁻¹⁹ बेस पेयर्स, ठीक है? इज दिस क्लियर? जब आप ये रिवाइज कर रहे हो तो आप ये भी रिवाइज करो कि हमारे बैक्टीरियोफाज कितने थे? दो थे, ठीक है? दो कौन कौन से थे? पहला था बैक्टीरियोफाज लैम्डा और एक था बैक्टीरियोफाज 5174। 5174 का जीनोम कितना था? 5386। और लैम्डा का? लैम्डा का तो यार सक्षम ने बहुत अच्छा तरीका बताया था, तुम थे उस क्लास में? नहीं, 4852, ठीक है? अब मजे की बात है, 48 और 50 में डिफरेंस भी 2 का ही है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको अरे हम तो एम्प्टी डालडा भी कर लेते हैं तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, ठीक है? एम्प्टी डालडा तो मैं बताऊंगी मैं ऐसा क्या है, बहुत मजेदार चीज है एम्प्टी डालडा, है ना? याद है ना एम्प्टी डालडा? ऑब्वियसली बेटा, क्या बात है, चलो ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज ध्यान दो, ठीक है? ये जीनोम है, तो हर चीज को याद करने की कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ वे होते हैं, वो आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है? अब डीएनए रेप्लिकेशन में ना दो चीजें होती हैं बच्चे, पहली बात एंटायर जीनोम हैज टू बी डुप्लीकेटेड, तो दो प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट हैज टू बी वेरी फास्ट। बेटा वेरी फास्ट नहीं हुआ तो भी पंगा है, इसके साथ साथ वेरी फास्ट के साथ क्या चाहिए? एक्यूरेसी। इसके साथ क्या चाहिए? एक्यूरेसी। इट हैज टू बी वेरी फास्ट एंड इट हैज टू बी एक्यूरेट, क्योंकि अगर एक्यूरेसी नहीं होगा तो आपके रेप्लिकेशन करने का पर्पस खत्म, और अगर फास्ट नहीं होगा तो भी पर्पस खत्म, राइट? क्योंकि आप भाई अब ऐसे तो नहीं कर सकते ना इकोलाई 20 साल में एक बार डिवाइड कर रहा है। इट हैज टू बी फास्ट, इट हैज टू बी एक्यूरेट, ठीक है? हमारा एक्यूरेसी रेट, और ये कितनी देर में ह्यूमन जीनोम पूरा का पूरा कितनी देर में हो जाता है? ये 20,000 बेस पेयर रेप्लिकेट कर जाता है इन कितने? 2,000 बेस पेयर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी है बेटा? इसकी स्पीड है 2,000 बेस पेयर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड, मतलब आप ये सोचो, प्लीज जस्ट इमेजिन दिस, एक सेकेंड बीता और 2,000 बेस पेयर, मतलब ये कितना ज्यादा फास्ट है। ह्यूमन स्केल पे इसको इमेजिन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम ऐसा कोई भी काम नहीं कर, मैं अगर बोलूँ ना एक बिंदी बिंदी लगा दो तो भी आप एक सेकेंड में 2,000 नहीं लगा पाओगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, नहीं डॉट्स भी नहीं मार सकते ना, तो इट इज वेरी फास्ट। एक्यूरेसी का कैसे ध्यान रखा जाता है बच्चे? क्योंकि हमारे पास इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है प्रूफ रीडिंग का। कौन सा मैकेनिज्म होता है? प्रूफ रीडिंग। एक एंजाइम होता है बच्ची, जब ऐड करता है ना तो पीछे जाके चेक भी करता है कि यार मैंने सही किया या नहीं किया। आपका प्रूफ रीडिंग का मैकेनिज्म होता है जिससे ये पूरा का पूरा प्रोसेस चेक भी हो रहा होता है। तो चेक भी हो रहा है प्लस एक्यूरेटली और फास्ट भी हो रहा है। ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, अब डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है? पूरा जीनोम आपका डीएनए रेप्लिकेट, इसमें आपके कितने एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं? 2-3 एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहला एंजाइम जो रिक्वायर्ड है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब पहली बात, ये पॉलीमराइज क्या कर रहा है? डीएनए। टेम्पलेट क्या है? किसको देख करके पॉलीमराइज कर रहा है? वो भी डीएनए। तो आपका है क्या? पॉलीमराइज हो डीएनए रहा है, टेम्पलेट भी क्या है? डीएनए ही है। इसलिए इस एंजाइम का नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। समझ में आई? दूसरा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है बच्चे, आपके जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको ओपन भी तो करना पड़ेगा। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को ओपन करना पड़ेगा, तो एक एंजाइम होता है हेलिकेज। दिस नेम इज नॉट given in NCERT. This name is not given in the NCERT. Topoisomerase.
सेम नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, ये दोनों नहीं. उन्होंने ये दे रखा है कि इसको हमें खोलने के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं. कौन सा एंजाइम होता है? पहला, दूसरा टोपियोआइसोमेरेज. ठीक है, हेलिकेज क्या करता है? टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. क्या है? टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. डीएनए के स्ट्रैंड्स है तो कैसा होगा इसका वो बना होगा? मैंने वो कर दिया यार, क्या बोलते उसको यार, आई एम ट्राइंग कि ये हेलिक्स बन जाए. ठीक है, अब दिख रहा है कुछ हेलिकल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है. ठीक है, हेलिकेज क्या कर रहा है? इसको ओपन कर रहा है. हेलिकेज क्या कर रहा है? इसको ऐसे ओपन कर रहा है. आप देख रहे हो जैसे जैसे आप ओपन कर रहे हो उधर क्या हो रही है? टेंशन बिल्डअप हो रही है. समझो, अगर ये पांच, अगर मैं बताऊं कि इसके पांच टर्न लगे हुए थे, अगर इसके पांच टर्न लगे थे, एक ऐसे, दो, फिर तीन, चार, पांच, तो ये पांच टर्न कहां कैसे वो है, मतलब ऑर्गेनाइज है, पूरी लेंथ में ऑर्गेनाइज है ना. अगर मैंने इसे ओपन कर दिया तो क्या होगा? वही पांच टर्न अब इतने स्पेस में है, तो टेंशन बढ़ रही है. तो बच्चे, ओपन करने का काम किसका है? हेलिकेज का. इसकी टेंशन रिलीज करने का काम किसका है? टोपियोआइसोमेरेज. तो ओपन कौन कर रहा है? हेलिकेज. टेंशन कौन रिलीज कर रहा है? टोपो आइसोमरेज. ये बात समझ में आई या नहीं आई? टी से टोपो, टी से टेंशन, लेकिन देता नहीं है, हटाता है. ये क्या करता है? टेंशन हटाता है. ठीक है, तो ये ओपन करता है, ओपन द, ओपन्स द डीएनए. ठीक है, और ये क्या कर रहा है? टेंशन रिलीज कर रहा है. टेंशन रिलीज. ठीक है, समझ में आया? ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, डीएनए पोलर है या नहीं है? डीएनए के स्ट्रैंड्स पोलर है. डीएनए के स्ट्रैंड्स पोलर है. एक तरफ 5 प्राइम से 3 प्राइम है और एक 3 प्राइम से 5 प्राइम है. ठीक है, आपको मालूम है अगर आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए है. ठीक है, अभी मैंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बना दूं? बना देते हैं. ठीक है, मान लो अगर आपका डीएनए कुछ इस टाइप का है, ओके, ये आपका डीएनए है. अच्छा, ये 5 प्राइम और ये वाला 3 प्राइम, और ये जाएगा तो ये वाला 3 प्राइम और ये वाला 5 प्राइम, राइट? समझ में आया? ठीक है, नाउ द पॉइंट वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट इज योर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. व्हाट इज योर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसको हम लोग वो भी लिखते हैं, ओरी, इसको हम ओरी भी लिखते हैं. जब आप प्लाज्मिड मालूम ना क्या होता है? क्या होता है प्लाज्मिड? नहीं पता? स्मॉल और वाह, मजा ही आ गया यार. स्मॉल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज योर प्लाज्मिड. ठीक है, तो अब क्या आता है बच्चे आपका? नाउ ओरिजिन ऑफ, तो प्लाज्मिड के अंदर रेप्लिकेशन होती है, तो द पॉइंट वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट इज ओरी. तो प्लाज्मिड में हम लोग ओरी लिख देते हैं. क्या है? ओरी है, मतलब रेप्लिकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. समझ में आया? तो जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है बेटा, वहां पे डीएनए क्या हो जाता है? डीएनए गेट्स ओपन. ऐसे ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ऐसे ही ऐसे आपका डीएनए क्या हो गया? ओपन हो गया. हाँ हाँ, खुल गया ना बेटा. आपको अगर उसको पूरा का पूरा न्यूली सिंथेसाइज करना है तो डीएनए को खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा. तो हियर यू हैव ओपन योर डीएनए. ओपन हो गया डीएनए, ओपन हो गया. आई बात समझ में? अब न्यूली सिंथेसाइज, अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी डायरेक्शन में होती है? डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज अकर, तो डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज अकर
इन 5 prime to 3 prime डायरेक्शन। बेटा ये डायरेक्शन सेम है ऑलवेज। और एक बात याद रखना, डीएनए रेप्लिकेशन भी इसी डायरेक्शन में होती है, आरएनए सिंथेसिस भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों की डायरेक्शन क्या है, 5 prime to 3 prime। कैसे याद करोगे, हाई टू लो, मतलब मैंने ऐसे याद कर रखा है यार, सारी चीजें कैसे मूव करती हैं, हाई टू लो, तो ये भी हाई टू लो है, 5 से 3 है, समझ में आया, ठीक है। तो वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5 prime to 3 prime to 5 है, जो 3, अब यहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है, तो जो 3 से 5 है बेटा, यहां तो कंटीन्यूअस सिंथेसिस होती जाएगी, क्योंकि ये 5 prime ये 3 prime एड ऑन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, ठीक है। लेकिन वो स्ट्रैंड जिसकी खुद की पोलैरिटी 5 से 3 है, क्या वहां पे कंटीन्यूअस सिंथेसिस होगा? वहां पे क्या होता है, इधर आता है वो 5 to 3, फिर ऊपर जाएगा 5 to 3, फिर ऊपर जाएगा 5 to 3। आई बात समझ में? स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रैंड हैविंग polarity 5 prime to 3 prime, यहां पे सिंथेसिस कैसी होती है, कॉन्टिन्यूअस, कैसी होती है, कॉन्टिन्यूअस। एंड डीएनए स्ट्रैंड हैविंग पोलैरिटी 3 prime to 5 prime, यहां पे सिंथेसिस कैसी हो रही है, डिसकॉन्टिन्यूअस। और डिसकॉन्टिन्यूअस का कारण क्या है, कारण है क्योंकि डायरेक्शन, कारण क्या है, डायरेक्शन, क्योंकि होती तो उधर भी 5 prime से 3 prime है, उसके चक्कर में क्या हो जाता है, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। इन डिसकॉन्टिन्यूअस फ्रेगमेंट्स को हम बोलते क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जापान में डिस्कवर हुए थे, पता नहीं किसी जापानी साइंटिस्ट ने, हो सकता है डिस्कवर करा, ओकाजाकी ऐसा ही नहीं लग रहा, ये अजम्पशन है मेरी, इसको मेरे नाम से मतलब वो मत कर देना, समझ में आई बात, ठीक है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इनको ज्वाइन भी करना पड़ेगा, इनको ज्वाइन भी करना पड़ेगा। दीज फ्रेगमेंट्स आर लेटर ऑन ज्वाइन बाय एन एंजाइम, इस एंजाइम का नाम क्या है, DNA ligase। इस एंजाइम का नाम क्या है, DNA ligase। इस DNA ligase एंजाइम पे बेटा एक बहुत बड़ा सा स्टार बना लेना और लिख देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काहे काहे जोड़ रहा है, इसलिए बेटा ये फेविकोल है, ये क्या है, ये फेविकोल है, फेविकोल कहा की है बेटा, जो बायोटेक पूरी की पूरी डिजाइन करी गई है ना, बायोटेक पूरी पूरी डिजाइन जो हुई है, वो एक इसकी वजह से और एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से। एक क्या है, एक होता है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको आरी भी बोल सकते हो, क्या आरी, आरी सुनिए, आरी आरी देखिए, आरी और काटती है ये आरी है, डीएनए काटती है, ये क्या करती है, डीएनए काटती है, और वो क्या है, फेविकोल छोड़ देता है। तो एक से हम काट सकते हैं उसके बाद हम जोड़ भी सकते हैं, तो काटने वाला एंजाइम, एंजाइम जोड़ने वाला एंजाइम, डीएनए लाइगेस, याद रखना। और जो भूल गया वो, जो भूल गया वो शौर्य, ऐसा परी ने बोला एंजल ने भी बोला, अरे आज ईष्टा नहीं आई यार, ईष्टा क्यों नहीं आई आज, सो गई, सो व्हाट, वे कैसी कैसी बातें कर रहे हो, कैसे लड़कियों को बिठा दिया आगे चलो ओके ओके ओके, समझ में आ गया, हाँ ठीक है, मतलब मेरे को तो उसकी याद है भाई यार प्लीज, अब मैं इन दोनों को देखूंगी नहीं, अब मैं इधर आ गई,
प्लीज यार यहाँ पे ध्यान दो ठीक है। तो डीएनए लाइगेज कैसा एंजाइम है बच्चे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। क्या करता है? जोड़ता है। आरी क्या करता है? तोड़ता है, काटता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये दोनों एंजाइम याद रखने हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या है? 5' to 3'। तो वो स्ट्रैंड जो 3 to 5 है वो कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस देता है, और जो 5 to 3 है जो सेम ओरिएंटेशन का है उसमें डिसकॉन्टिन्यूस होता है, और जो अपोजिट है उसमें कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, अबे यार गलत कर दिया। हाय राम, गलत कर दिया ना। बेटा इधर होगा डिसकॉन्टिन्यूस, थैंक यू सो मच, इधर आएगा डिसकॉन्टिन्यूस और इधर कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, जो अपोजिट है उसमें तो कॉन्टिन्यूस होगा ना। ठीक है, एक को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और एक को बोलते हैं लैगिंग। लीडिंग कौन सा होगा? जिसमें कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस हो रही है वो कौन सा है? लीडिंग स्ट्रैंड है। और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो कौन सा है? लैगिंग। लैगिंग बोले तो जो पीछे रह गया, लीडिंग बोले तो जो लीड कर रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। एक और बात, ये जो डीएनए जब खुल जाता है ना, जब डीएनए आपका खुल जाता है तो जो चीज बनकर आती है इसे बोलते हैं हम रेप्लिकेशन। इसे क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क, ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, अब एक बात और समझानी है मेरे को, पहले इतना थोड़ा सा डाइजेस्ट करो। बेटा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक ऐसा फालतू का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी ना, ठीक है, सच बता रही हूँ, थोड़ा फालतू का कॉन्सेप्ट है लेकिन बेटा पढ़ना तो पड़ेगा। एक्चुअली दो चीजें हैं, एक मुझे फालतू लगती है और दूसरी मुझे ओके लगती है, तो करना तो हमें दोनों ही पड़ेगा। ओके, अब आप एक बात याद रखना सबसे पहले, और अब एक बात और बता दूं मैं, अब जो पोर्शन आपका स्टार्ट हो रहा है ना इस चैप्टर का, ये कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है। ठीक है, क्योंकि रेप्लिकेशन तक तो ओके है कि भाई आप सबका कर रहे हो, भाई रेप्लिकेशन किसका करा? पूरे जीनोम का करा। ट्रांसक्रिप्शन पूरे जीनोम का नहीं होता। हमारा जीनोम का कितना परसेंट पोर्शन जो है वो प्रोटीन बनाता है? हमारे जीनोम का कितना परसेंट फंक्शनल है सोचो? हमारे पास अगर 100% जीनोम है, उसका कितना परसेंट जीनोम जो है वो फंक्शनल है? बेटा less than 2%। कितना? less than 2%। अब फंक्शनल का क्या मतलब है? फंक्शनल का मतलब है कि जो प्रोटीन बना रहा है। फिर आप बोलोगे कि सिर्फ उस 2% के लिए हमने 98% क्यों संभाल के रखा हुआ है? जब हमारे जीनोम के अंदर सिर्फ 2% ही प्रोटीन बनता है, मतलब जितना भी जीनोम है उसका 2% बनता है, तो हमने 98% को क्यों संभाल के रखा है? ठीक है, एंड 98% क्या है? जंक डीएनए। क्या है? जंक डीएनए। यस, इट इज नोन एज जंक डीएनए। आई शो दिस टू यू, डेफिनेटली आई वाज रीडिंग दिस बुक। ठीक है, बट मैं भी बहुत आलसी हूँ यार, पूरा मैंने पढ़ा नहीं है, 3-4 चैप्टर पढ़े हैं, इसके चैप्टर बहुत सारे हैं। ठीक है, बट दिस बुक इज ऑसम सीरियसली। ठीक है, समझ में आया? जंक डीएनए बच्चे, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं कह रही हूँ कि सिर्फ 2% जीनोम हमारा फंक्शनल है, ठीक है, एंड 98% जीनोम हमारा क्या है? नॉन फंक्शनल, यानी कि जंक डीएनए है। अगर मैं सिर्फ वो 2% डीएनए किसी एम्ब्रियो में डाल दूं तो क्या वो सरवाइव कर जाएगा बिना 98% के? तो क्या 98% कंप्लीटली नॉन फंक्शनल है? ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका फंक्शन हो लेकिन हमें पता ना हो। ठीक है, और हमेशा एक बात याद रखना बच्चे, इंपॉर्टेंट चीजों को प्रोटेक्ट जब ही कर सकते हो जब वो सराउंडेड किससे है। आप हमेशा याद रखना, जब भी कभी आप कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अमेज़न से ऑर्डर करते हो तो उसकी पैकिंग बहुत अच्छे से करी जाती है ताकि आपका जो मेन चीज है वो खराब ना हो। ठीक है, एंड जंक डीएनए का भी फंक्शन होता है कि जो हमारा 2% है वो खराब ना हो, बाकी वाला जो है वो एडजस्ट कर लेता है। आई बात समझ में? दैट इज फंक्शन। तो less than 2% इज ट्रांसक्राइब्ड। ट्रांसक्राइब्ड बोले तो कि वो आरएनए बना रहा है। ठीक है, अब आपका डीएनए है, आपका डीएनए है, ठीक है, अब डीएनए में कितने स्ट्रैंड्स होते हैं?
दो स्ट्रैंड होते हैं, एक होता है 5 प्राइम, एक होता है 3 प्राइम, एक होता है 5 प्राइम फिर 3 प्राइम, ठीक है? क्या दोनों स्ट्रैंड कॉपी होते हैं? आर बोथ स्ट्रैंड्स गेट कॉपीड? बताओ व्हाई नॉट? दोनों स्ट्रैंड्स तो कॉपी नहीं होते, ठीक है? दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कॉपी नहीं होते, क्यों? ठीक है, अब इसके पीछे के रीजन मैं आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है? आपके दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आइडेंटिकल हैं या कॉम्प्लीमेंट्री? आइडेंटिकल या कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है? बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर आइडेंटिकल, सॉरी, बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री नॉट आइडेंटिकल, ठीक है? तो आपके जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल सीएल ही होता है, सीएल होता है, सही है, ठीक है, ओके। बोथ द स्टैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री नॉट आइडेंटिकल, दैट मीन्स इफ दे विल सिंथेसाइज आरएनए, दैट आरएनए विल बी डिफरेंट, दैट आर एन ए विल बी डिफरेंट। बताओ जी, येस और नो? अगर डीएनए सेम नहीं है तो आर एन ए सेम कहां से हो जाएगा? अगर आर एन ए सेम नहीं है तो प्रोटीन कहां से सेम हो जाएगा? हेंस दे विल कोड फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन्स, टू डिफरेंट प्रोटीन्स, राइट, ठीक है? विच इंप्लाइज वन सेगमेंट ऑफ डीएनए, वन सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कोडिंग फॉर टू प्रोटीन्स, टू प्रोटीन्स। This will complicate genetic engineering, genetic information transfer machinery, genetic information transfer machinery. इसको ये क्या कर देगा? कॉम्प्लिकेट कर देगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। तो पहला कारण ये होता है, ठीक है? दूसरा कारण क्या है? अंदर दूसरा कारण क्या है बच्चे? दूसरा कारण ये है कि इफ, सेकेंड रीजन, इफ बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉपी, तो जो आरएनए बनेगा, रिजल्टिंग आरएनए होगा, वो भी तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। हेंस बोथ रिजल्टिंग आरएनए, रिजल्टिंग आरएनए विल बी कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है? दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, दिस विल फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नेवर कोड्स फॉर प्रोटीन, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नेवर कोड्स फॉर प्रोटीन। अब इधर एक बात समझो कि आपके डीएनए ने तो आरएनए बनाया ही इसलिए था ताकि वो प्रोटीन बनाए, अब वो प्रोटीन ही नहीं बना रहा, तो क्या एंटायर प्रोसेस इज नाउ फ्यूटाइल, खराब हो गई सारी? आपने काम किया बट एंड रिजल्ट तक आप पहुंच ही नहीं पाए। आई पास अंदर वाली लाइट जला दो, पुराने बटन, या ठीक
ठीक है, आई बात समझ? हाँ क्लियर है। अब आप बोलोगे कि इसमें इलॉजिकल क्या था, मैंने कहा था ना सबसे बकवास चीज पढ़ा रही हूँ, ठीक है बच्चे। इलॉजिकल ये है, ये सेकंड रीजन इसका कंप्लीटली लॉजिकल है कि अगर दो स्ट्रैंड आ गए तो वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा और प्रोटीन नहीं बनाएगा, ठीक है। पहले वाला रीजन मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है। रीजन मान लो अगर एक ही सेगमेंट अगर दो प्रोटीन बना लेता तो आप क्या कर लेते? ये बोलोगे भाई आपने रूल तोड़ दिया, अब आप पे धारा 304 लगेगी? नहीं बोलते ना यार, ठीक है। तो पहले वाला रीजन ठीक है, लेकिन दूसरे वाला रीजन जो है इसको बोलते हैं आरएनए साइलेंसिंग। इसे हम क्या बोलते हैं? आरएनए साइलेंसिंग। बोले तो आरएनए तो बना लेकिन वो साइलेंट हो गया, और साइलेंट का मतलब क्या है कि प्रोटीन उसने नहीं बनाया, ठीक है। आगे की क्लास जो है बच्चे नेक्स्ट क्लास, ठीक है, और उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होंगे, ठीक है। बाय बाय टाटा।